आज जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहाँ पर झारखंड में पहली बार और देश में भी पहली बार महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम को राज्य में, झारखंड प्रदेश में आयोजित करने का जो निर्णय फेडरेशन के समूह ने लिया है, इसके लिए तो मैं फेडरेशन को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और आज विधिवत रूप से ट्रॉफी अनवीलिंग और इवेंट मैस्कॉट का लॉन्चिंग कार्यक्रम में फेडरेशन के अध्यक्ष भी हम लोग के साथ उपस्थित हैं, ये बहुत गौरव की बात है और एक ऐतिहासिक क्षण भी है। और मुझे लगता है इससे राज्य में आने वाले समय में खेल जगत में एक नया आयाम और एक नया रोशनी अलग जगेगा। और इस खेल में आज जो इसका विधिवत शुभारंभ हुआ है, इस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर और यहाँ उपस्थित फेडरेशन हॉकी इंडिया के पूरे सदस्य को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस राज्य में पूरा विश्वास और पूरा उम्मीद के साथ मैं फेडरेशन को भी ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके की कमी और जोश की भी कमी नहीं मिलेगी आपको। और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज होने जा रहा है। हॉकी इंडिया की तरफ से जो हमें ये मेजबानी करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार हम लोग का झारखंड में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है। और इसे हम लोग जितने भी हमारे झारखंड के यंग प्लेयर हैं उनको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा कि दूसरे देश के प्लेयर यहाँ पे आगे खेलेंगे, उनको देख के उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके लिए जितने भी हमारे हॉकी इंडिया हैं और हमारे झारखंड सरकार है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे मैच करा रहे हैं। उसके लिए बिल्कुल हम लोग अपने साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉफी यहाँ पे रखा हुआ है हम दोबारा लेके ही पे रखेंगे। और हम लोग जैसे अभी एशियन गेम खेलने गए थे तो हमने सेमीफाइनल में वहाँ पे चाइना के साथ हारे थे और उस हार से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इस चैम्पियंस ट्रॉफी में हम गोल्ड लेके आएंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निक्की प्रधान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।